वाटरमेलन का हलवा बनाएंगे। वाटरमेलन का हलवा बनाने के लिए ऊपर का छिलका निकाल के अंदर रेड कलर का भी निकाल के, जो ये पीस बचता है ना वाइट कलर, उसको कद्दूकस करके 2 कप लेते हैं। जो वेस्ट करते हैं ना, वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए ये हलवा बनाएंगे। 2 कप ग्रेट किया हुआ वाटरमेलन लेंगे, बेसन 1 कप, 1 कप गुड़, किशमिश, काजू, बादाम, इलायची पाउडर, 1/2 कप घी लेंगे। जो ग्रेट करके रखा है ना वाटरमेलन, उसको अभी एक मिक्सी में डाल करके ग्रेट करके रखेंगे। मिक्सी नाइस पेस्ट करके रखेंगे। देखिए मैं जार में डाल रही हूँ, इसको नाइस पेस्ट कर लेते हैं। अभी कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, घी थोड़ा गर्म होवे। ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, पहले काजू बादाम थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा कलर चेंज होने के बाद किशमिश डाल रही हूँ, किशमिश भी अच्छा भून जावे। देखिए ऐसा, देखिए कितना अच्छा भुन गया है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट, सारा ड्राई फ्रूट, भुना हुआ ड्राई फ्रूट निकाल दिया है। अभी बेसन डाल रही हूँ, मीडियम आंच रख करके इसको बेसन को घी में भुनेंगे। देखिए ऐसा, पहले थोड़ा सख्त रहता है, फिर भुनते भुनते हल्का हो जाता है। मीडियम आंच में ऐसा भूनना चाहिए इसको। देखिए कलर चेंज हो रहा है। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर हुआ है। अभी जो पीस करके रखा था ना वाटरमेलन, वो इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा दूर खड़े होकर के डालिए, नहीं तो उड़ेगा हाथ में। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसा, गुड़ डाल रही हूँ, गुड़ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जावे। अभी लिड बंद करके 2 मिनट के लिए रख देंगे, स्लो आंच में रखेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है। अभी इसको घुमा लेंगे और थोड़ा इलायची डाल रही हूँ, 1/2 ड्राई फ्रूट जो तल के रखा था ना वो भी इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके लिड बंद करके और 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए हलवा रेडी हो गया है। सर्विंग बाउल में निकाल के गार्निश कर रही हूँ। जो आधा रखा था ना ड्राई फ्रूट तला हुआ, उससे गार्निश कर रही हूँ। वाटरमेलन का हलवा रेडी हो गया है। वाटरमेलन हलवा रेडी।